काल पर। चल बाल पर, जब तक ये द्वार नहीं खुलेगा तब तक हम काल चित्र यंत्र के पास नहीं पहुंच पाएंगे। खुलेगा, अब ये द्वार खुलेगा भटकाती परी। मानो मोंटू, अब हम जरूर पहुंचेंगे अंदर। मानव, मोंटू, इस वक्त हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। लो, मदद तो हमें आपकी चाहिए और आप हमसे मदद मांग रहे हैं। हाँ, हम बेचारे खरगोश आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मानव, इस वक्त आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे जादू से भी ये द्वार नहीं खुल रहा और ये द्वार खुलना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों इस कक्ष के अंदर जाए और अंदर से इस द्वार की कड़ी को खोल दे ताकि हम अंदर आ सके। क्या बालपरी, हम खरगोश है, सुपर हीरो नहीं कि उड़कर जाए और कुंडी खोल दे। हाँ, अगर गाजर करने का काम होता वो तो मैं 2-3 मिनट में ऐसे कर देता। मोंटू, सब बच्चों को खरगोश से फिर से बच्चा बनाने के लिए हमें ये द्वार खोलना ही होगा। हाँ बच्चों, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आप किसी भी दूसरे रास्ते से इस कक्ष के अंदर चले जाइए और इस द्वार को अंदर से खोल दीजिए। अरे अब तो परी है, आप क्यों नहीं छोटे होकर अंदर चली जाती? नहीं बच्चों, ये द्वार जादू से बंद है, इसलिए कोई भी जादुई शक्ति इस द्वार को खोले बिना इसके अंदर नहीं जा सकती है, इसलिए ये काम आपको ही करना होगा। ठीक है परियो, हम अंदर जाएंगे और अंदर से दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। शाबाश बच्चों, शाबाश। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़कर है। हाँ? मानव, अब हम नीचे किसे उतरेंगे? फिसल कर। क्या? हाँ। आउच। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ मोंटू, अभी हम कुंडी कैसे खोलेंगे? चल कुछ तो ढूंढते। मिल गया आइडिया। मोंटू, मैं जाकर कुंडी खोलता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ। अरे प्लीज मोंटू, मुझे जाने दे। मानव, मैं जाता हूँ। अरे मोंटू देख, मैं पतला भी हूँ और मेरा वजन भी कम है, तो मैं अच्छे से कुंडी खोल पाऊंगा। ठीक है। मेरा दानों नष्ट करके ये मत सोचना कि तुम लोग बच गए। काकली की तरकश में अभी बहुत देर बाकी है। मेरा अगला वार बाल वीर की जिंदगी में तूफान खड़ा कर देगा। बेस्ट ऑफ लक मानव। थैंक यू। Come on, Manav, come on! हाँ, मोंटू कर रहा हूँ, रुक। अरे, मौसम लग गया। Come on, Manav, come on! हाँ हाँ। ये, खुल गई पहली कुंडी। ये। अरे वाह। Come on, Manav, बस अभी ऊपर की कुंडी बाकी है। मानव, तुझे नहीं होगा। नहीं, मैं कुंडी खोल के ही रहूंगा। कोशिश करो बच्चों, द्वार जरूर खुलेगा। मानव, मेरी बात मान, मैं खोलता हूँ। नहीं मोंटू, मैं करके ही रहूंगा।
मानव देख, मैं तुझसे वजन में भी ज्यादा हूँ और मोटा भी हूँ, तो मैं ज्यादा बाउंस होऊंगा, है ना? ठीक है, आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक मोंटू। थैंक यू मानव, थैंक यू। टोकरी लेके आजा पीछे बेटा, आजा। शुक्रिया मोंटू। शुक्रिया बच्चों। You're welcome परियों। भटकाती परी, हमें उस यंत्र को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। बाल परी, यहाँ आइए। ये देखिए, असली कालचित्र यंत्र यहाँ है। बाल परी, इन डायनों ने उन बच्चों को खरगोश बनाया और उन्हीं खरगोशों ने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। हाँ। तभी तो कहते बच्चों को कम नहीं समझना चाहिए, है ना? हाँ मोंटू, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से चलते हैं। चलिए। विज्ञान पर ये देखिए, यह है नटखट परी का बनाया हुआ असली कालचित्र यंत्र। विज्ञान परी, हमें तुरंत इस यंत्र के दृष्टि भ्रम रूपांतर जादू के तोड़ की विधि को आरंभ करना चाहिए। जी रानी परी, लेकिन उससे पहले हमें त्रिरंग सुराही के तीनों द्रव्यों को आपस में मिलाना होगा।
हम इस काल चित्र यंत्र को इस उबलते हुए द्रव्य के ऊपर रखेंगे। रानी परी, हम सफल हो गए। रानी परी, हमने काल चित्र यंत्र का तोड़ काल विचित्र रसायन बना लिया है। अब हम इस रसायन के अनुसार दृष्टि भ्रम रूपांतरित जादू के असर को समाप्त कर सकेंगे। शाबाश विज्ञान परी, शाबाश। आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम फिर से बच्चों को खरगोश के रूप से बच्चों के रूप में ला पाएंगे और उन बुरी शक्तियों को समाप्त कर देंगे। काकली की चाल, ये जादू बचा ले बालवीर को, बन के उसकी ढाल। अरे हमारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा महर, कि मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी और हवा की जगह जमीन पर आ गई, इसलिए मैंने तेरा जादू छीन लिया है। अब तेरा कोई जादू काम नहीं करेगा। अब तो बस तू बालवीर को धीरे धीरे समाप्त होता हुआ देख। बस अब कुछ देर और फिर बच्चों को बचाने वाला ये बालवीर एक इतिहास बन कर रह जाएगा। बोलो मैडम काकली, बालवीर का तो किस्सा खत्म होने वाला है। अब हम आराम से सभी बच्चों को खरगोश बना सकते हैं। हाँ, और अगर हमारे यंत्र बेअसर भी हुए तो आपके असली कालचित्र यंत्र से उसे छुएंगे तो उसमें फिर से शक्ति आ जाएगी।
क्या 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 कहा तुमने? आपके असली कांतित यंत्र से वो अपने यंत्रों को छुएंगे तो उसमें फिर से शक्ति आ जाएगी। किसने कहा? किसने कहा ये सब? हम चाहता कि अपना वो जो ओरिजिनल नकाल चित्र यंत्र है जी, वो यंत्र को हमारा ये डुप्लीकेट यंत्र को टच कर ला, तभी तो हमारा ये यंत्र का बैटरी चार्ज होगा ना। बेवकूफ डायनो, काम की नहीं तुम सब, मुझे तुम्हें बहुत में सजा दूंगी। अभी तो मुझे अपने काल चित्र यंत्र को बचाना है, चलो। और इस बालवीर का क्या मैडम? बालवीर का कुछ नहीं हो सकता, कुछ ही क्षण बाद ये संदेह कुएं में गिर के समाप्त हो जाएगा। अलविदा बालवीर, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। चलो जानो। हम कोशिश करके देखते हैं बालवीर। ये कक्ष कैसे खुल गया? कौन आया था यहाँ? काल चित्र यंत्र गायब हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब कैसे हुआ है? किसने किया है ये सब? मैंने तो ये कक्ष को जादू से बंद कर दिया था। समझ गई, ये सब उन परियों का खेल है। परियां यहां आई थी और काल चित्र यंत्र को लेकर चली गई। इसका मतलब उस गाल परी ने हमसे झूठ बोला कि वो यहाँ अकेले आई थी। हाँ, और उस पे विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब हम क्या करेंगे? हमें काल चित्र यंत्र को दोबारा ढूंढना होगा, नहीं तो हमारी सारी योजनाएं और हम सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उस काल चित्र यंत्र को दोबारा हासिल करके लाऊंगी।
समझ में नहीं आ रहा है। एक आखिरी बार जादू करने की कोशिश करता, शायद जादू काम कर जाए। एक गाल पर अच्छाई और सच्चाई को चाहिए आपका सहारा, भेज दो मेरे नीचे गुआरा। मेरा जादू काम कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाली, लेकिन ये हुआ कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता गालपन, लेकिन अब मेरे जादू की मदद से हम इस तस्वीर से बाहर निकल सकते हैं। हाँ। हे आर्ट पर्पल, करो कुछ ऐसा चमत्कार, चले जाए हम इस तस्वीर से बाहर। ये सब क्या हो रहा है? मेरा जादू फिर से काम नहीं कर रहा है। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा बाली, जब हम हवा में थे तब हमारा जादू काम कर रहा था, और जैसे ही हम जमीन पर आए हमारा जादू काम नहीं कर रहा है। क्या कहा आपने? आप जब हवा में थे तो आपका जादू काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर आए आपका जादू काम नहीं कर रहा था। मतलब आप दोनों का जादू जमीन पर काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप दोनों हवा में होंगे तब आप लोग का जादू काम करेगा। हाँ मैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ बाली। देखा गालपरी, हवा में मेरा जादू काम कर रहा है, और इसीलिए अगर मैं हवा में रहकर जादू करूंगा तो हम सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। चलिए। हे आर पार पर, दिखाओ अपना चमत्कार, चले जाए हम इस तस्वीर से बाहर। गायनों ने दिया अच्छाई और सच्चाई को बहुत कष्ट, और इसीलिए इनकी बनाई हुई बुराई की तस्वीर हो जाए नष्ट। विज्ञान परी, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप इस रसायन का उपयोग डुबा डुबा एक पर कीजिए। डुबा डुबा एक, अब खा पाऊंगा मैं फिर से ये। विज्ञान परी, हमें ये तो पता चल गया कि इस रसायन का उपयोग करके हम बच्चों को फिर से खरगोश से बच्चे बना सकते हैं, परंतु हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इस रसायन से हम डायनों का अंत कैसे करेंगे। परियों, उसके लिए आपको एक चित्र खींचने वाले यंत्र की व्यवस्था करनी होगी, के बाद हम उसके ऊपर रसायन की कुछ बूंदे डालेंगे। फिर जब हम उस यंत्र से किसी डायन का चित्र खींचेंगे तो वो डायन धुआं बनकर उड़ जाएगी। विचार परी, आप तुरंत पृथ्वी लोक जाइए और ये काल विचित्र रसायन बालवीर को दे दीजिए। जी रानी परी।
जीरा निकल। क्या हुआ, कुछ पता चला कालचित्र यंत्र का? नहीं मैडम काकली, हम लोगों ने हर जगह ढूंढा मगर कालचित्र यंत्र हमें कहीं नहीं मिला। गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है यहाँ। जैनो, मैंने सभी जैनो को एक जगह एकत्रित होने को कहा है। तुम दोनों जैनो भी जाओ और सभी जैनो को एक जगह एकत्रित होने को बोलो। सभी जैनो से एक जरूरी बात करनी है। जाओ। अरे, माँ ने मुझे 200 रुपए दिए थे पूजा का सामान लाने के लिए। मैंने 50 रुपए की अगरबत्ती खरीदी और 20 रुपए का नारियल खरीदा और 30 रुपए का मैंने कपूर और कुमकुम दिया। तो मैंने कितना खर्चा किया? 200 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 300 खर्चा कैसे हो सकता है जब माँ ने मुझे सिर्फ 200 रुपए दिए थे? और दुकानदार ने मुझे 100 रुपए भी दिए। अरे मैं फिर मैथ्स में गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सारा हिसाब सही है। आपने 200 रुपए में से 100 रुपए खर्च किए और आपके पास 100 रुपए बच गए। सिंपल। कौन है? मैं हूँ, इधर देखो नीचे। खरगोश के पास मुझसे ज्यादा दिमाग है। देख रही है खरगोश कितना प्यारा है, लगता है किसी का पालतू खरगोश है। अंकल, आप ऐसे कार्टून जैसे बात क्यों कर रहे हो? ये कैसे हो रहा है? तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर रहे हो? तुम तो खरगोश हो ना, तो खरगोश की तरह बात करो। जैसे मैं रॉकी चाचू हूँ इसलिए रॉकी चाचू की तरह बात कर रहा हूँ। रॉकी चाचू, मैं भी अमन शाह हूँ और अमन शाह के जैसे ही बात कर रहा हूँ। तुम इंसान हो? हाँ, मैं एक बच्चा हूँ पर किसी ने मुझे खरगोश बना दिया। उसने बोला स्माइल प्लीज और मेरा फोटो खींचा, बस फिर मैं खरगोश बन गया। है? फोटो खींची और खरगोश बना दिया? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ भी है। रॉकी चाचू, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो और प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घर लेके चलूंगा और कुछ खाने को भी दूंगा। तुम गाजर खाओगे? हाँ गाजर खाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। शाबाश बाल जी, हमें पूरा विश्वास था कि आप मेहर को सुरक्षित बाहर लाओगे। हाँ माँ, और अब हमें बाकी बच्चों को भी खरगोश से उनके असली रूप में लाना है और डायनो का अंत करना है। ऐसा ही होगा बालवीर। ये देखिए बालवीर, ये काल विचित्र रसायन, इससे आप बच्चों को अपने वास्तविक रूप में ला सकते हैं और इससे डायनो का अंत भी कर सकते हैं। लेकिन बालवीर, इसमें एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या विचार करो? बालवीर, ये रसायन बहुत ही कम मात्रा में तैयार हुआ है और इस रसायन को हमें खरगोश पर भी छिड़कना है, चित्र खींचने वाले यंत्र पे लगा के डायनो का चित्र भी खींचना है। विस्तार करी, फिर ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। अगर रसायन इतना कम है तो फिर ऐसे तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा।
नहीं। बच्चे भी ठीक होंगे और डायनो का भी अंत होगा। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। बालवीर, अगर बुराई का अंत करने में मेरा यह कैमरा तुम्हारे किसी काम आ सकता है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। तुम इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, काल विचित्र रसायन दीजिए। भैया, मैंने इस चित्र खींचू यंत्र पर काल विचित्र रसायन की कुछ बूंदे डाल दी। अब हमें इस चित्र खींचू यंत्र से सारी डायनों को इकट्ठा करके उनका चित्र खींचना होगा, जिससे वो सारी डायने एक साथ धुआं बनकर उड़ जाएगी। पाली, आप ये काम हम पर और भटकाती परी पर छोड़ दीजिए। डायन बेन ऊँचो को ऊँचो ऊँचो पिछली बार डायनों का सम्मेलन हुआ था ने, उसमें तो सभी ने समो चित्र खिंचवाया था। बेनी, पर इस बार चित्र क्यों नहीं खिंचवा रहे? मुझे खबर न थी, वो किसको देगी? क्यों बेन, सही कह रही हो तुम, इस बार कोई मजा नहीं आ रहा। जो तू, अरे तुम्हें चित्र खिंचाने की पड़ी है? मैडम काकली ने हमें यहाँ कोई बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया, ना कि कोई चित्र खिंचाने के लिए। तुम इसको क्यों डांट रही हो? ये बेचारी की गलती क्या है? मैंने एक बात बताओ, अगर हम लोग का चित्र निकलेगा नहीं तो बड़ी दुनिया ने खबर किसे पड़ेगी कि हमने भी बच्चों को खरगोश बनाया है? लेकिन नहीं बेनू, तो बोलो तो बोल बोल। हाँ, वही तो, सारी दुनिया में सिर्फ काकली मैडम का नाम होगा। और हमें हमें क्या मिलेगा? ठेंगा? बीजू सू, अरे हम ज्यादा थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं। अरे अगर एक चित्र काकली मैडम के साथ खिंचवा दिया तो किसी के घर से कुछ जाएगा क्या? सोचो 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 बेन लोग, सोचो तू। हमारे साथ तुम भी बड़ी शान से बोलोगे कि बच्चों को खरगोश बनाने में हम सब साथ में थे काकली मैडम के साथ, है ना? हाँ, बोलो बोलो मैडम। हाँ, ये दोनों ठीक ही तो बोल रहे हैं। हाँ, मुझे ना बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही लग रही है। हाँ हाँ, हम सबके पास एक समोचित्र तो होना ही चाहिए। अरे जब सभी डायने चित्र खिंचवाना चाहती तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी खिंचवाऊंगी अपना चित्र। हेलो हेलो हेलो, चलो चलो, हम सब साथ मिलकर बोलेंगे काकली मैडम को। हाँ हाँ हाँ, पर ये चित्र हम लोग खींचेंगे कैसे? अरे बेन, तुम टेंशन क्यों लेती है? मेरे पास है ना ये चित्र खींचो यंत्र। करो अपने एक काम का, तुम लोगों को यहाँ शोर मचाने नहीं बुलाया, समझे? मैडम काकली, हमें माफ करना, पर आपकी बात शुरू होने से पहले हम सब डायने चाहती हैं कि अगर आपके साथ हम सब डायने एक चित्र खींच लेती तो क्या? क्या बेकार की बातें कर रही हो? मैंने तुम सबको यहाँ चित्र खिंचवाने नहीं बुलाया है। हमें पता है काकली मैडम, पर हम सब डायनों की यही इच्छा है कि आपके साथ एक चित्र तो होना ही चाहिए ना। बस बस एक चित्र, एक चित्र मैडम, सिर्फ एक चित्र, सिर्फ एक चित्र, सिर्फ एक चित्र, 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 एक चित्र। सबका दिमाग खराब हो गया है, जानती हो ना, हम सबकी जान खतरे में है।
तो कालचक्र यंत्र नहीं मिल रहा और दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हैं और इसलिए हम सबको यहां से तुरंत निकलना होगा, समझे? नहीं नहीं काकली मैडम, अगर हम भी यहाँ से चले गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चों को खरगोश बनाने में हम भी आपके साथ थे। हाँ हाँ काकली मैडम, इसकी एक चित्र तो आपको हमारे साथ खिंचवाना ही पड़ेगा। गाँव 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 डायनो, जल्दी करो, लाओ, कहाँ है तुम्हारा उस चित्र खींचने वाला यंत्र? साकी मैडम, ये है वो यंत्र। विस्तार परी और भटकाती परी ने उस चित्र खींचने वाले यंत्र को डायनो के पास पहुंचा दिया है और उन्हें मना भी लिया है चित्र खींचने के लिए। अब जैसे ही वो डायनो उस यंत्र से अपना चित्र खींचेंगी, सारी की सारी डायनो धुआं बनकर उड़ जाएंगी। हाँ माँ, और अब हमें उन बच्चों को बचाना चाहिए जो डायनो की वजह से खरगोश बन गए। नहीं कर सकता, मुझे लगता है रॉकी की ये कोई शरारत होगी। हाँ जरूर, घर में कोई बच्चा छुपा है और रॉकी उसके साथ बात कर रहा है। अच्छा तो चलो लीड को ढूंढते। लीड नहीं, कीड। हाँ वही, सेम टू सेम। चलो ढूंढते हैं, आप लोग उस कमरे में जा, हम लोग इस कमरे में जा। हाँ ठीक है, चलो चलो। और और बहुत मीठी है। महेश, मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा छुपा हुआ है। मुझे तो लगता है ये खरगोश रॉकी भैया से बात कर रहा है। खलो खलो। रॉकी चाचू, रॉकी चाचू, मेरा पेट भर गया। ये तो सचमुच खरगोश ही बात कर रहा है बापूजी। अरे हाँ हाँ, ये खरगोश ही बात कर रहा है। मैं खरगोश नहीं हूँ दादाजी, मुझे खरगोश बनाया गया है। मैं स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा हूँ और मेरा नाम अमन शाह है। तुम्हारे अंकल के गोद में चल के यहाँ आ गया और हम तेरे पीछे पीछे चल के आए।
भुट्टे हैं आंटी, हमें कुछ खाने को दो ना। क्या हो रहा है ये खरगोश इंसान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, आओ। तुम दोनों डायने नहीं परियां, सब तुम्हारी चाल थी। हाँ, अब तुम हमसे बच नहीं पाओगे काकली। बचना तो अब तुम्हारा मुश्किल होगा काकली से। चाहे जो भी रूप ले लो काकली, लेकिन इस चित्र खींचू यंत्र से तुम्हारा अंत भी निश्चित है आज। खरगोश बने बच्चे तो कह रहे हैं कि इनके साथ साथ डायनों ने मानव को भी खरगोश बना दिया। आप कुछ कीजिए ना, आप बालवीर को बुलाइए ना। बालवीर। हाँ सुनता, मैं बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर, 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 बालवीर। मैं ठीक है ना? बालवीर, ये खरगोश बने बच्चे कह रहे हैं कि डायनों ने मानव को भी खरगोश बना दिया। मुझे बताओ ना, मेरा मानव कहाँ है? बताओ ना। और आंटी, मैं मोंटू, मैं भी खरगोश बन गया हूँ। मानव, हे भगवान, मेरे बच्चे को खरगोश बना दिया। बालवीर, मानव खरगोश बन गया। तुम कुछ करो ना, तुम कुछ करते क्यों नहीं मेरे मानव को वापस खरगोश दे। स्मिता, स्मिता, तुम संभालो अपने आप को, संभालो। बहू, बालवीर आ गया है ना, तो अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, शांत हो जाओ। हाँ, अब चिंता मत कीजिए। मैं मानव, मोंटू और बाकी सभी बच्चों को जो खरगोश बन गए उनको फिर से बच्चे बना देंगे। ये मेरा वादा है आप सबसे। मेहर, हाँ। हमें सबसे पहले सभी बच्चे जो खरगोश बन गए हैं उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करना होगा, ताकि उनके ऊपर रसायन छिड़क कर हम उन्हें फिर से बच्चा बना सकें। बालवीर, 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 मेहर, मुझे एक जरूरी काम, तब तक तुम सभी खरगोशों को इकट्ठा करो, मैं वापस आता हूँ। खड़े होके
मरते रह जाओगे। तुम या बालवीर कोई भी इस तस्वीर के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। बालवीर, हाँ परियो, आप सब इतनी परेशान क्यों हैं? चिंता मत करिए परी, ताकली के अंत का कोई ना कोई उपाय मैं जरूर ढूंढूंगी। अब क्या करें बालवीर, इस तस्वीर के अंदर हम में से किसी का कोई भी जादू नहीं चलेगा। तस्वीर के अंदर नहीं चल रहा है अटकाती परी, लेकिन तस्वीर के ऊपर तो चलेगा। मैं इस पूरी की पूरी तस्वीर को ही नष्ट कर दूंगा। जब तक मैं इस तस्वीर के अंदर हूँ, तुम्हारा कोई भी जादू इसे नष्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ? चेहरे की रंगत उड़ गई ना? अभी तो और उड़ेगी जब मैं इस तस्वीर की सीमा से बाहर निकलकर अपने काकलों पहुंच जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी पकड़ के बाहर चली जाऊंगी। आपको इसका कोई उपाय तो सोचना ही होगा। हाँ बालवीर, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें काकली का अंत करना ही होगा। हम उसे भागने नहीं दे सकते। हाँ माँ, आज काकली यहां से बच नहीं पाएगी। सही कहा काकी, ये तुम्हारा काकलोक नहीं बल्कि ये वो जगह है जहाँ हमारा जादू भी चलेगा और तुम्हारा अंत भी होगा। बाले! तुम ऐसा नहीं कर सकते।
बच्चों को परेशान करने वाली बुरी शक्तियों को बालवीर कभी नहीं बख्शता काकली। हाँ बालवीर, अब आप जल्दी से इस तस्वीर को जला दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए इस काकली का अंत कर दीजिए। बच्चों को बचाने वाला बालवीर, बी बी बी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। गया काकली की बुराई का अंत। गाल पर मैं चाहता हूं कि आप इस काल विचित्र रसायन को अपने गुब्बारों में भरकर खरगोशों पर छिड़क दें ताकि वो फिर से अपने असली रूप में आ जाए। हाँ बालवीर। घाल परी, अरे मैं यहाँ हूँ। मोंटू, तुम फिर से बच्चा बनना नहीं चाहते? अरे मैं तो खरगोश बन के ही खुश हूँ, ना पढ़ाई की झंझट ना काम की, खाओ पियो और ऐश करो। अरे मोंटू, वो देख, पीछे से एक डेंजरस कुत्ता आ रहा है, भाग! क्या? नहीं नहीं नहीं, बालू जी, आप मुझे फिर से बच्चा बना दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
बालवीर जी। थैंक यू बालवीर जी। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। ताकतवर और खतरनाक हतुबा, मैंने हरा दिया इस कमजोर राजा को युद्ध में। मेरी ताकत के आगे घुटने टेक दिए इसने। देखो कैसे सर झुकाए खड़ा है मेरी कैद में। अब ये सारी जिंदगी यहीं रहेगा और मैं राज करूंगा वानर लोक पर। आज से सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा, राजा हतुबा, 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 राजा हतुबा। शांत हतुबा, शांत। अपनी जीत के जोश में तू वानर लोक का नियम भी भूल गया? क्या कह रहे हो दद्दू? कौन सा नियम? कहाँ का नियम? वानर लोक का नियम, वो नियम जो सदियों से चला आ रहा है, तू कैसे भूल गया? जब तक पुराने राजा के पूरे वंश को तू कैद करके हरा नहीं देता, तू यहाँ का राजा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। इस राजा का वंशज? कौन सा वंशज? वो गोलू। वो बच्चा जिसे अभी तक बोलना भी नहीं आता। क्या मजाक कर रहे हो दद्दू? वो बच्चा आजाद रहे या कैद में, उससे हतुबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हतुबा, बहुत फर्क पड़ता है। तेरी ताकत वानर लोग के नियम नहीं बदल सकती। तुझे यहाँ के नियम पता नहीं? कान खोल के सुन ले। अगर कल सूरज ढलने तक गोलू आजाद रहा तो यहाँ का अगला राजा तू नहीं वो होगा। तुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो बड़ा होके तुझसे लड़ने के लायक ना हो जाए। नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कल सूरज ढलने से पहले गोलू मेरी कैद में होगा, वो भी अपने बाप की तरह इस कैद खाने की धूल चाटेगा। ये जोरिला से मेरा वादा है, वादा, ये वादा है हतुबा का, हतुबा का वादा, हतुबा, 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 ये गलत हो रहा है। इस दुष्ट हतुबा ने पहले मेरे पति को कैद किया और अब ये मेरे मासूम बच्चे के भी पीछे पड़ गया है। यहाँ इसकी जान को खतरा है। बेटा गोलू, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। पा, पा। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे अपने बाबा से बिछड़ने में कितनी तकलीफ हो रही है, पर अभी हमें अपने दिल पे पत्थर रख के यहाँ से जाना होगा। चल बेटा, चल। ये गरम गरम भजिया, चंपल की गरम 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 भजिए। पिता, पुदीने की चटनी, वाह वाह स्मिता, ताजी पिसी हुई पुदीने की चटनी के साथ गरम गरम भजिया खाने का मजा ही कुछ और है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, पुदीने की चटनी बना रही हो। अरे बापू जी, ये क्या कर रहे हैं? बोलो, चश्मा नहीं पहना है आपने? नहीं बापू जी, आपको पता है ना, चश्मा नहीं पहनते हैं तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है। पहन लेता हूँ, चश्मे पहन लेता हूँ। सीता, ये सीता क्या छाट रही हो? चटनी पिसो ना जल्दी, भाई भजिए ठंडे हो रहे हैं। अरे बाबूजी, बाबूजी, चश्मा पहनिए, चश्मा। रुके क्यों, मैं चश्मा पहनिए। अरे मैं अटक गया हूँ। क्या बाबूजी, फिर अटक गए? रॉकी, अरे बोटा भाई, सॉरी, मैंने आपको दागबूझ के नहीं मारा। वो क्या ना, बापूजी ऐसे अटक गए ना, तो मैंने दुख में अपना हाथ ऊपर उठाया और वापस मारा। मारा मारी बंद करो और मुझे छुड़ाओ। हे भगवान, थैंक यू रॉकी बेटा, थैंक यू। बापू जी, मैं महेश हूँ। थैंक यू रॉकी बेटा, थैंक यू। अरे मैं कस्तूरी हूँ। लेकिन मेरा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा ढूंढो। हाँ, आप इधर। हाँ, ढूंढती हूँ। कहाँ गिरा दिया बापू जी? चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे घूम लेंगे, तुम चटनी पीसो। आप इधर ही रुकिए, हम लोग चश्मा ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ, ये आवाज कैसी है? अरे क्या हुआ, मेरा चश्मा मिला क्या? बापू जी, आपके चश्मे की चटनी बन गई है। क्या संभल के डुबडुबा एक, अगर आई इस अंडे को खरोच तो नहीं छोड़ेगी सोन पक्षी तुम्हें, मार मार के चोच कर देगी बुरा हाल।
डुबा डुबा एक या ना हमें दे दो, हम ले जाएंगे। नहीं नहीं, वो मैं अकेला काफी इस अंडे को लेके जाने के लिए। अरे मत कीजिए आप जरा सी भी चिंता इस डुबा डुबा एक के होते हुए। शुक्रिया बालवीर। शुक्रिया बालवीर, तुम सही समय पर आ गए। हाँ बालवीर, आपने इस अंडे को सुरक्षित बचा लिया और डुबा डुबा एक को कड़ी सजा से। हाँ, गया बच में। हाँ गालपरी, और आप सब तो जानती ही है ना कि ये अंडा केवल एक अंडा नहीं है, इस अंडे के अंदर एक जीव पनप रहा है और वो जीव है सोन पक्षी की आने वाली संतान। डुबा डुबा परियों, आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक बालवीर है तब तक किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सही कहा बालपरी। हाँ, और इसीलिए एक माँ बालवीर और परियों से मदद लेने आई है। बालवीर, बालवीर, ये हमारे मित्र लोग वानर लोग की रानी जुरीली है। रानी जुरीली, आप यहाँ कैसे? ये मेरा बेटा जुरीला है, हम प्यार से इसे गोलू कह के बुलाते हैं। आप सबको इसकी रक्षा करनी है। कल सूरज ढलने से पहले गोलू मेरी कैद में होगा, वो भी अपने बाप की तरह इस कैद खाने की धूल चाटेगा। परियों, बालवीर, ये मेरा मासूम बच्चा तो अभी बोलना भी नहीं जानता और वो दरिंदा हतुबा इसकी जान के पीछे पड़ गया है। अब आप सभी इसे बचा सकते हैं, इसकी रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए हथुबा अपनी बुराई कभी नहीं फैला पाएगा। हाँ रानी जुरीली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र गोलू इस परीलोक में पूरी तरह से सुरक्षित है और कल सूरज ढलने तक हम किसी को भी गोलू की परछाई तक भी छूने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। हाँ, और उसके बाद ये वानर लोक का राजा बन जाएगा और सारी प्रजा को इसकी बात माननी ही पड़ेगी, हतुबा को भी। बालवीर, परियों, हमें आप सब पर पूरा भरोसा है, हम इसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, हम कल सूरज ढलने के बाद आएंगे। बेटा गोलू, अपना ख्याल रखना और हाँ, कोई शरारत मत करना। रानी जुरीली, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, हम गोलू का पूरा ध्यान रखेंगे। गोलू, चिंता मत करो, तुम हमारे साथ सुरक्षित रहो। अरे मेरा इतना अच्छा प्यारा खिलौना टूट गया। हाँ, महा चिपकू गम से चिपका देता हूँ। बापू जी। हाँ रॉकी। हाँ, मुझे भूख लगी है।
भूख लगी। हाँ हाँ तो आइए ना बाबूजी, ऐसे आप मत जाइए क्योंकि आपके पास चश्मा नहीं है ना। आइए आइए, यहाँ पे बैठिए, बैठिए बैठिए, थोड़ा सा ये, हाँ बैठिए। बाबूजी देखिए, नहीं नहीं मेरा मतलब सुनिए, यहाँ पे ब्रेड जैम बटर सब रखिए, आप खा लीजिए। हाँ मैं तब तक ये अपना खिलौना जोड़ देता हूँ। जैम ब्रेड, तो इतनी बढ़िया मिठाई पड़ी है यहाँ पे, ये जैम ब्रेड कौन खाएगा? क्या हुआ बाबूजी? अरे ये मिठाई है या पत्थर? बाबूजी बाबूजी ये मिठाई नहीं है, अखरोट है, अखरोट। आपने अखरोट को मिठाई समझ के खा लिया। बाबूजी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ब्रेड है, जैम है, बटर है, आप उसे खाइए, उसे नहीं। हाँ बाबूजी, आपने ब्रेड पे क्या लगाया? अरे बाबूजी, आपने ब्रेड पे जैम और बटर नहीं लगाया, मां चिपकू गम लगा दिया है। देखो है खरा कितने मजे से ये केले। बालवीर, हमें लगता है कि गोलू का परिलोक में रहना जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए हमें उन्हें किसी दूसरे सुरक्षित स्थान में ले जाना होगा। लेकिन रानी परी, गोलू के लिए परिलोक से ज्यादा सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है? पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक? हाँ पृथ्वीलोक। बालवीर, हतुमा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि राजा जुरीला हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इसीलिए वो गोलू को ढूंढने वानर लोक में जाएगा, और जब गोलू से वानर लोक में नहीं मिलेगा तो उसे पूरा विश्वास हो जाएगा कि गोलू हमारे पास परी लोक में है। तो क्या हुआ रानी परी, अगर उस दुष्ट ने यहाँ आने की गलती की तो उसका बुरा हाल होगा? बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम इस वक्त कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। हतुमा हमारे साथ युद्ध में हार भी क्यों ना जाए, लेकिन वो गोलू को हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ बालवीर, रानी परी सही कह रही है, गोलू के लिए पृथ्वी लोक ही सबसे सुरक्षित स्थान होगा। लेकिन परियों, गोलू पृथ्वी लोक पर रहेगा कहाँ? हाँ हमें पृथ्वी लोक पर ही बहुत ही सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। परियों आप चिंता मत कीजिए, हमने वो सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया है। कौन सी जगह रानी परी? सात सच्चों का घर। सात सच्चों का घर? हाँ परियो, सात सच्चों का घर। गोलू सात सच्चों के घर में मानव और मेहर के साथ रहेगा। हाँ रानी परी, गोलू के लिए सात सच्चों का परिवार सबसे सुरक्षित स्थान होगा। हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि अगर गोलू सात सच्चों के परिवार के साथ रहेगा तो वो खुश भी रहेगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। रानी परी, मैं गोलू को अभी पृथ्वीलोक पर छोड़कर आती हूँ। हाँ बालवीर।